जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। जानते हैं श्री कृष्ण और सुदामा जी की अनोखी मित्रता की एक कथा। अवंतिका में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहां उनके कई मित्र थे, उनमें से एक थे सुदामा। सुदामा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा, यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते, वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे जिससे हमारी कष्टमयी गृहस्थी सुधर जाएगी। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुँचे। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जान द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम किया और वहां आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कह दिया और खुद महल में गया और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, फटेहाल दीन और दुर्लभ ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाते हैं। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु सुदबुद्ध होकर नंगे पैर ही दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आँखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आस पर बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्लभता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान और भोजन कराने के बाद सुदामा जी को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों को याद करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समिधा लेने गए थे और रास्ते में वर्षा होने लगी, तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए हुए चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज़ सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो सखा। सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं खा रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान श्री कृष्ण ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते रहे कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदूल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता, मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदूल की पोटली छीन ली और सुदामा के कर्मों को क्षीण करने के हेतु तंदूल को बेहद चाव से खाने लगे। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में बताते हुए अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर सैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है
उन्हें इस कारण धन ना मिला हो कि कहीं उनमें अहंकार ना आ जाए। यह विचार करते सुदामा अपने घर की ओर चलने लगे। जब सुदामा घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आँखों से आंसू निकल आए। वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी तथा कमेंट बॉक्स भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।